आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए। मैंने अभी अभी शॉर्ट वीडियो डालने शुरू किए हैं, कृपया सुनिए। आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। एक जंगल में जो है बितऊ भाई थे, उनका गुरुकुल जंगल में ही था, तो बितऊ भाई जंगल में ही रहते थे अपने गुरुकुल में। एक दिन सारे दोस्तों ने कहा कि भाई आप मुझे बहुत दिनों से कहानी नहीं सुनाई, आप मुझे कहानी तो सुनाइए। बितऊ भाई ने कहा ठीक है बैठो सब लोग। तो बितऊ के जितने भी दोस्त थे सभी आ गए, उनमें शेर भालू बंदर सभी उनके दोस्त थे, जंगल के सभी पशु पक्षी उनसे बहुत अधिक दोस्ती करते थे, आकर बैठ गए। तो शेर राजा थोड़ी ज़्यादा ही घमंड में आकर बैठ गए। तो बितऊ ने कहा चलो भाई आज हम जंगल के राजा की ही कहानी सुनाते हैं। तो जंगल का राजा तो राजा ही होता है, उससे तो सभी लोग डरते हैं। एक दिन क्या हुआ कि एक जंगल का राजा वन में घूमते घूमते भटकता रहा, लेकिन उसको कहीं से भी भोजन नहीं मिला। वह बहुत अधिक भूखा हो गया। अब वह सोचने लगा क्या करें क्या करें, मुझे भोजन ही नहीं मिल रहा है। तभी वह घूम रहा था और उसे जंगल में एक गुफा दिख गई। तो वह समझ गया कि इस गुफा में कोई ना कोई प्राणी तो ज़रूर रहता होगा। तो वह चुपचाप जाके और उस गुफा में बैठ गया, और वह पानी पीकर आया था इसलिए उसके पंजों में काली काली मिट्टी लगी हुई थी और उसके निशान गुफा के दरवाजे से अंदर की तरफ बन गए। तभी एक जो गीदड़ था वह बहुत ही चालाक होता है, चतुर होता है, लोमड़ी माने कहते हैं उसको, लोमड़ी थी, तो वह आ गई। तभी उस लोमड़ी ने देखा कि मेरी गुफा में ये शेर के पंजे कैसे हैं। तो लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है, बहुत चतुर होती है, उसने तुरंत समझ लिया कि मेरे घर में जो है वनराज आए हैं। तो वह बाहर ही खड़ी हो गई और कहने लगी कि ये गुफा, मेरे आने पर तुमने मुझे नमस्कार क्यों नहीं किया, और हमारी तुम्हारी यह संधि थी ना कि जब भी हम गुफा के अंदर आएंगे तब तुम मुझसे कहोगी कि राम राम सीताराम, और आपने मुझे कुछ नहीं कहा। आज मुझे लगता है आप मुझसे नाराज़ हैं, अगर मेरे कहने पर भी आप नहीं बोलेंगी तो मैं इस जो है गुफा को ही छोड़कर चली जाती हूँ। और जो है लोमड़ी थोड़ी मुड़ने लगी तो शेर ने देखा कि ये लोमड़ी तो वापस जा रही है, तो शेर समझ गया कि हो सकता है यह गुफा बोलती हो, क्योंकि लोमड़ी को क्या मालूम कि मैं इसमें छिपा बैठा हूँ। तो वह ज़ोर से दहाड़ा, और जैसे ही शेर दहाड़ा तो गुफा गूंजने लगी, और जैसे ही गुफा गूंजी तो लोमड़ी को पक्का विश्वास हो गया कि इसके अंदर तो वनराज ही बैठे हैं। और उन्होंने कहा वनराज भैया सीताराम राम राम आपको नमस्कार, और ऐसी दौड़ लगाई कि वनराज देखते ही रह गए, और दौड़ते दौड़ते वह जंगल में अदृश्य हो गई। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, पहले हमें उसको सोच लेना चाहिए। अगर वह शेर थोड़ा सा सोचता विचारता कि कहीं पत्थर बोलते हैं तो शायद उसको भोजन मिल जाता और लोमड़ी वहाँ से नहीं भाग पाती। इस तरह बितऊ ने सभी जानवरों को और अपने सारे ही साथियों को यह कहानी सुनाई और शिक्षा दी कि हमें मंदी बुद्धि नहीं बनना है, बल्कि हमें अपने सोच विचार के बाद ही कोई काम करने का निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद।